बदल जाओ तो शरीर में ओकर बास हो खिला। आज हम भी अपने करीब से देवी माई का दर्शन करनी। संकट मोचन हनुमान बलबीरा के गाथा हर जगह मशहूर बाटे। जहां जहां राम जी के गुणगान हो खेला वहां ये भक्त सदैव मौजूद रहलन हनुमान जी। तो हमारा साथे गावल जाओ, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बार सभी बोले जोर से, सियावर रामचंद्र की जय। हर इंसान के अंदर भगवान के दिहल एक शक्ति आत्मबल मौजूद हो खिला। एकरे बावजूद इंसान कई परिस्थितियन में डर जाएला। ए परिस्थिति से उबारेला सिर्फ एक ही शक्ति के आह्वान करल जाला। उस शक्ति के नाम बा संकट मोचन श्री हनुमान जी। और से सारे कोरियोग्राफर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, बिकॉज एक हनुमान चालीसा अपने आप में कितनी शक्ति है इस परफॉर्मेंस में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक प्रदीप आपने बहुत अच्छा किया आज, वेरी वेरी थैंक यू। स्मृति आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो जो एक डर आप दिखा रही थी वो पोर्शंस बहुत अच्छे थे। थोड़ा बहुत आई थिंक आपको पॉलिश होना है सिर्फ डांस में, बीच बीच में आप थोड़ी सी मिस आउट कर रही थी, आई थिंक आप भूल गई थी वो जो एंड के वो इस तरफ में आप जब आई, आई थिंक थोड़ा सा वो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, बट अदरवाइज गुड एफर्ट, नाइस। सुधा जी सब बोल देलन, लेकिन इतना जरूर बोलन स्मृति बहुत अच्छा नच ली। और प्रदीप का बोली तुहार लिए बहुत कमाल के तुहार परफॉर्म रहा, तुहार एक्सप्रेशन रिदम, बस स्मृति के लिए इतना कह कि कोशिश करिए 7 मेल करवा ना जी मास्टर। चलो खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। प्रदीप बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुमने अपने आप को मतलब एक पावर रखा, जैसे मैं राकेश को बोलता हूँ वैसे तुम्हारे अंदर है वो पावर, सेम रखना। और मुझे उम्मीद है कि स्मृति तुमको सपोर्ट करेगी, क्योंकि स्मृति के अंदर भी वो पावर है वो डांस करने की, वो पूरी कोशिश कर रही तुम्हारे साथ डांस करने के लिए पूरा, मतलब वो बहुत देर तक वहाँ पे टोपे बैलेंस किया था तुमने, बहुत मुश्किल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और
ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू देखो सच अपने जीवन का क्या बोलते. मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, तो जो भी है वो सच सबके सामने है. तोरे जीवन में कोनो ऐसे बोझा बाटे जो आज निकाले चाहबा? हमारे भैया के जन्मदिन रहल, हम भैया लागे एक तोहफा खरीद के ले रहनी. तो भैया बोले कि ये तोहफा तू कहाँ से ले ला? तो हम ये ना बतानी कि भैया हम अपन जरूरी चीज जो खरीदल रहल वो ना खरीद के हम तोहफा लेनी है. कहे कि भैया ये सब बहुत पहले ही मना कर ले रहा कि ऐसा कुछ करिया ना. तो भैया उस दिन हम अपन जो खरीदे रहनी वो ना खरीद के तो अलग हम तोहफा खरीदे रहनी और अलग जो झूठ लगी माफ़ कर दी है. अब तक हर एक परफॉर्मेंस मन मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव छोड़ ले बाटे, लेकिन जेकर प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुई ओकरा के आज नेस्ले एवरीडे परफेक्ट पार्टनर ऑफ द वीक के खिताब मिली. उ के बा जाने खातिर साथे बनल रही काहे कि आज बहरल बाटे देवी माई दुर्गा माई के गुरुवैया हमरे मंच पे. बाबू जेकरा के देखत आड़ा हमार कुल भोजपुरी रहवैया के तरह काली माई साक्षात आईनी नेस्ले एवरीडे नाचना चाहिए धूम मचैया के अद्भुत मंच पर.